धनबाद के गोविंदपुर कुर्ची से कोयला व्यवसायी रंजीत शर्मा और उनके 6 वर्षीय पुत्र का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। आरोप उपरांत व्यवसायी की पत्नी रानी शर्मा ने गोविंदपुर थाना में लिखित आवेदन में दिया है। हालांकि घटना के 9 घंटे के बाद देर रात अपहरणकर्ता ने व्यवसायी और उनके बेटे को महुदा कर भाग निकले, लेकिन पुलिस की तत्परता से 2 अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं जबकि 3 अभी भी फरार है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कुर्ची मोड़ के समीप अपराधियों ने दिन के उजाले में बिना नंबर प्लेट के हैरियर गाड़ी से अपहरण कर लिया था और उनकी पत्नी से रकम की मांग की थी। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य कुश महतो ने बताया कि रंजीत शर्मा नामक व्यक्ति गोविंदपुर बाजार से आटा लेकर आ रहे थे तथा वह अपने पुत्र को इंडियन पब्लिक स्कूल से लेकर अपने घर कुर्ची जा रहे थे। ग्लैमर मोटरसाइकिल वाहन से तभी ही कुर्ची मोड़ के समीप बिना नंबर के हैरियर वाहन से उतरकर अपराधियों ने उन्हें एवं उनके पुत्र को किडनैप कर लिया। वहीं घटना की सूचना पाकर गोविंदपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं किडनैप हुए व्यक्ति के घर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। मौके पर मोटरसाइकिल वाहन वहीं घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला दे मीडिया को कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज करी है। देखिए, घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है। कुर्सी मोड़ स्थित उस मोड़ में रंजीत शर्मा नामक एक व्यक्ति है जो हमारे कुर्सी मोड़ में रहा करते थे लगभग 1 वर्षों से। वे अपने निजी काम से बाजार गए थे। गोविंदपुर बाजार से आते आने के क्रम में जो है कि उनको कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ के जो ग्रामीण है, ग्रामीणों के सूचना के आधार पर प्राप्त सूचना मिला कि ब्लैक हैरियर गाड़ी से उनको जो है कि उठा के ले गया गया। हाँ, से इनका परिवार से सूचना मिल रहा है कि ये कोयला के कारोबारी थे, तो जाहिर सी बात है कि कोयला के कारोबारी है तो आपसी दुश्मनी होगा। जमीन का भी कारोबार करते थे, तो इस प्रकार से कोई आपसी दुश्मनी होता होगा। सब्जी देखो ना।